राजधानी शिमला में पानी के बिल और पानी की दरें शहरवासियों के लिए जहां मुसीबत बन गई है, वहीं जनता के प्रतिनिधि पानी के मुद्दे पर आपस में उलझ रहे हैं। सोमवार को हुई नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में एक बार फिर पार्षदों और उपमहापौर के बीच खूब हंगामा देखने को मिला। सोमवार को नगर निगम शिमला की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक बार फिर पार्षदों और डिप्टी मेयर के बीच हंगामा देखने को मिला। शहर में पानी का जिम्मा संभाल रहा जल निगम एक साल से ऑनलाइन पानी के बिल देने का दावा कर रहा है, वहीं कोर और मर्ज एरिया में पानी की अलग अलग दरों को लेकर खूब हंगामा भी देखने को मिला। जल निगम की बीओडी में पानी की अलग अलग दरों पर कोई हल ना निकलने पर संजौली वार्ड पार्षद ने एक बार फिर डिप्टी मेयर को टारगेट करते हुए निशाना साधा है। भाजपा पार्षद आरती चौहान ने डिप्टी मेयर पर कोर और मर्ज एरिया को क्षेत्रवाद फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही बीओडी की बैठक में सदस्य होने के नाते पानी की दरों पर हल ना निकाल पाने का भी आरोप लगाया है। आज मासिक बैठक में जो मेन चर्चा का मुद्दा था वो पानी की बिलों को लेकर था। हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 25 को चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई है और उससे पहले एक मीटिंग पार्षदों के बीच हुई है, जिसमें मर्ज एरिया का रेट 25 रुपये तय किया गया था। तो हमारा ये कहना था कि आप हमारे मैटर को भी डिस्कस करें, इसको भी एक एजेंडा बनाया जाए, इसको भी फाइल पर पुट किया जाए। लेकिन वो वहाँ पर बोलने लगे कि मैं मर्ज एरिया से आता हूँ। उन्होंने सिर्फ मर्ज एरिया की बात की है, तो लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर शहर के हैं। तो डिप्टी मेयर से मैं मीडिया के माध्यम से भी और मैं सदन में भी इस्तीफा मांग चुकी हूँ कि जनाब, आप सिर्फ मर्ज एरिया के मेयर और डिप्टी मेयर नहीं है, आप पूरे शहर के मेयर और डिप्टी मेयर हैं। हमारे लोग भी इंतज़ार में हैं कि कब हम उन्हें राहत दें और कब हमें उन्हें सस्ता पानी की दरें करें। तो हम यही चाहते हैं कि डिप्टी मेयर पूरे शहर के होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो डिप्टी मेयर हमारा पक्ष ही नहीं रख पा रहा है, हम ऐसे डिप्टी मेयर के साथ काम ही नहीं करना चाहते। डिप्टी मेयर और पार्षद के बीच मामला इतना बढ़ा कि पार्षद आरती चौहान डिप्टी मेयर की कुर्सी तक पहुंच गई। बाद में मेयर ने दोनों के बीच बचाव करते हुए मामले पर अब एक विशेष बैठक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं डिप्टी मेयर राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि निगम में सम्मिलित न्यू मर्ज एरिया के लोग व्यावसायिक दरों पर पानी भरते हैं, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं निकल पाया है, जबकि कोर एरिया की जनता को कम दरों पर पानी के बिल दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन अलग अलग दरों को लेकर विभाग को एक बार सभी लोगों को पत्र लिखकर बैठक कर इसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के सभी क्षेत्रों, मर्ज और कोर एरिया में एक ही पानी की दरें होनी चाहिए, ताकि किसी को अधिक आर्थिक बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि पार्षद हर बैठक में उनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता और इस मसले का बैठकर हल ढूंढा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पानी के रेट्स के ऊपर मुद्दा उठा था, यहाँ से 25 रुपये का बीच वाला रेट डिसाइड करके भेजा था, परंतु चर्चा के दौरान वहाँ से ये निकला कि भाई इसमें अभी तक भी, चाहे वो शहर का मर्ज का एरिया है चाहे शहर का पुराना एरिया है, इसमें दिक्कतें रही हैं। तो इस करके इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इस पर जिस ढंग से चर्चा हुई है उस ढंग से, और बीच में एक कमी जो रही है वो ये रही है कि 2006 में हाउस में एक डिसीजन पास हो चुका है कि मर्ज एरिए के जितने भी कमर्शियल यूजर थे उनका मिल जो है डोमेस्टिक कर दिया जाए, परंतु उस टाइम लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं दी गई। लोग अभी तक भी जो जिनके पुराने मीटर लगे हैं वो आज भी कमर्शियल रेट के ऊपर पानी के बिल दे रहे हैं। तो मैं विभाग से ये प्रार्थना करूंगा कि भाई इन्हें यह डायरेक्शन दूंगा कि भाई उन लोगों को जागरूक करें ना जिनके पुराने मीटर लगे हैं, जिसका मीटर 80, 85 या 90 के बीच में लगे हैं या 2000 से पहले के लगे हैं, उनको सबको जागरूक करें, उनको लेटर जाए ना कि आप अपना मीटर डोमेस्टिक क्यों नहीं कराते हैं। जब विभाग ने 2006 में डायरेक्शन दे दी है तो डायरेक्शन तो विभाग ने देनी है ना। नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट का कहना है कि पानी के बिलों और पानी की दरों को लेकर जो विवाद उपजा है उसे अगली विशेष बैठक में सुलझा लिया जाएगा, उसके बाद जल निगम की अगली बीओडी बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक डिप्टी मेयर और पार्षद के बीच के विवाद की बात है उसे सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्षद और डिप्टी मेयर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो शहरवासियों के लिए सोचते हैं, और कभी कभार इस तरह की बहसबाजी हो जाती है जिसे
सुलझा लिया जाएगा। आज जो है हमारी साधारण बैठक थी और तो आज काफ़ी जो है मुद्दे जो है काफ़ी उस पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन सबसे जो डिस्कशन का मुद्दा रहा है वो सबसे ज़्यादा पानी रहा है, क्योंकि पानी पे आज बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारा वाद विवाद हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, क्योंकि पानी में वाकई जो है बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोगों को जो है लाखों के बिल आ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है। और हम इसके लिए हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे, उनको भी हमने वहाँ पर अपने पूरी बात बताई थी कि बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अभी तक कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डेढ़ डेढ़ साल से लेकर बिल नहीं आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। और जब लोगों को बिल आता है तो लोग परेशान हो रहे हैं कि तीन तीन लाख रुपये आ रहा है या चार चार लाख रुपये बिल आ रहा है, अब डेढ़ साल का बिल आएगा ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा, तो लोग परेशान हैं कि बिल नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आज काफ़ी गंभीर समस्या थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि आज जो है काफ़ी दिक्कतें ये हो रही है कि सीवरेज में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मर्ज एरियो को लेकर भी बातें थी और शहरी एरियो को लेकर के बातें थी, सेस को लेकर बातें थी, बहुत सारी बातें हुई हैं। मासिक बैठक में शहर से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों पर भी मुहर लगी, जिसमें बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुसुम सदरेट ने बताया कि शहर में बरसात से रास्ते, सड़कों और नालियों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शहर में कुत्तों और बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए जल्द ही निगम द्वारा एक कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण और टीकाकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।